मतलब ये है सागरी, सागरी सागर, इसके बारे में बहुत ही बात प्रचलित है, बहुत बड़ी बात प्रचलित है इस सागरी के बारे में। पहली बात तो यह है कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है और इसकी गहराई आज दिन तक भी किसी को पता नहीं चल पाई है। और दूसरी बात ये, जब राणा सांगा इस किले का उन्होंने निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, उसके बाद में जब उनके पास में पारस पत्थर था तो उस पारस पत्थर को उन्होंने यहाँ पर फेंक दिया था और वो अभी तक भी नहीं मिला है। तो इसके बारे में हमें और बताएंगे हमारे दोस्त। हेलो, पार्ट वन में आपने वैसे ये जगह देखी थी, लेकिन पार्ट वन में जगह देखी थी लेकिन ये अब वैसे कुछ कारणों से थोड़ा पानी टूट चुका है, लेकिन हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि पानी कभी सूखेगा नहीं। और आपने इसके बारे में पिछली चीज़ सुनी होगी, ऑल ऑफ द वर्ल्ड एक कहानी है पारस पत्थर को लेके। तो यहाँ पे महाराणा सांगा ने किसी कारणों से उस पत्थर को जो है यहाँ पे अंदर डाल दिया था। उस पारस पत्थर के लिए वैसे कहा जाता है कि जिस पारस पत्थर जिस लोहे को या जिस पत्थर को छू जाता था वो चीज़ गोल्डन हुआ करती थी। इसका पानी है और अभी भी इसकी गहराई नहीं नाप सकते कोई, क्योंकि इसका पानी बहुत ऊंडा है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं आगे पानी के बीच में, वहाँ सीढ़ियों के पास में वहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं, वो हम आपको आगे नीचे जाके और आपको हम दिखाएंगे वहाँ से पास से, ताकि आपको देखकर आपका मन मोह ले ये ऐसी कारीगरी पुरानी प्राचीन टाइम की जो राणा सांगा के वक्त में हुआ करती है। तो दोस्तों ये देखें सांगरी के हम बहुत करीब आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, और यहाँ का पानी, ये पानी हरा कलर का है और इस पानी को आज फिल्टर करके लोग यूज़ में लेते हैं। ऐसी नहीं है कि इस पानी को यूज़ में नहीं लिया जा सकता, पानी को यूज़ में लेते हैं। यहाँ का पानी एक देसी घी के बराबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी बहुत भारी पानी है और अगर आप वो पी लेते हैं तो ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि आप 100 साल तक जिएंगे। और यहाँ के लोग जीते भी थे 100 साल तक और युद्ध लड़ा करते थे। और जो वहाँ पर वो आपको जो सामने वहाँ पर वो दिख रहा है, वहाँ से राजा या रानी या कोई भी सैनिक हो वो इसमें कुंड में वहाँ से नीचे गोते लगाया करता था। नीचे और कमरे मिलेंगे, आप देख सकते हैं जितना ये नीचे जाएगा पानी, जितना सूखता जाएगा उतने नीचे अपनों को कमरे मिलते जाएंगे। अभी ये यहाँ तक था पानी, अब इसका पानी नीचे चला गया, इसका जलस्तर कम हो चुका है क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हुई। कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और डिसलाइक ना करें। तो दोस्तों कैमरामैन योयो हनी सिंह के साथ में बिट्टू बॉस।